सुबह सुबह मैं अपने पैरेट्स को ये अंजीर देता हूँ और देखता हूँ कि वो खाते हैं या नहीं। अगर इन्होंने ये खाई तो मैं इनको वो दे दूंगा, नहीं तो फिर इनको बाजार डाल दूंगा। आज वो भाई खाओ, तुम्हारे लिए स्पेशल दही चाहिए। अरे 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 मैं साइड पर जाता हूँ। सिंड्रेला लग के अंडा दे के बच गया, चेक कर दिखाओ। कुछ भी नहीं है, ऐसे क्यों मार रही है? इसके भी अलग ही सिस्टम है। और हाँ, सुबह सुबह शहर में काफी ज्यादा कीड़े मकोड़े हैं, मैं ऐसा करता हूँ उनको भी बाहर खोल देता हूँ। आ जाओ भाई, कैसे स्पीड में खेलने के लिए आ गए। मास्टर की जिंदगी चलती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। यार कल ना मैंने जब इन बर्ड्स को बाहर खोला था तो मैं ना इनका पानी अंदर रखना भूल गया। भाई चुप, अरे मैं तो बच्चे के बच्चे बाहर खोल के आया हूँ। फंस गया, फंस गया, इनके पास ही बैठ जाता हूँ। अभी अंदर चला जाता तो कौवे इनके ऊपर अटैक कर देते। ओ भाई गंदम का पीछा करते करते अंदर में चले जाना, यहाँ से साइड पर हटो, हटो हटो, शाबाश शाबाश। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा देर घूम फिर लिए, अब मैं ऐसा करता हूँ इनको ना बंद कर देता हूँ। चलो शाबाश, अंदर चलो, तुम भी चलो। शाबाश शाबाश, अभी ये भी मस्ती नहीं करनी, आराम से अंदर चलो। चार्ली साहब आपको क्या लेटर दूँ? चलो चलो चलो। और अब मैं इनसे फ्री हो गया हूँ, अब चलते हैं मास्टर केज के अंदर। तो भाई आ गया मैं, आप बताओ मास्टर केज की क्या अपडेट है? पहले तो डैनिश ने अंडा दिया होगा पर नहीं है, और यहाँ पर नीचे क्यों नेस्टिंग की हुई है? इनकी नेस्टिंग तबाह करता हूँ मैं। और भाई भोलू साहब, ढोलू किसी ने नहीं डाली इनकी कुंडी। हाँ वो तो मैंने बाहर निकाल के रखी थी ना, क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत है इससे हमने अंडे नहीं लिए। जैकब भाई साहब से तो इतनी उम्मीद है अंडा के, लेकिन ये तो देती नहीं है मैडम जी। मैडम आपने अंडे कब दे रहे हैं? और वो भाई साहब हर वक्त चुपचाप बैठे रहते हैं। और ये शेख चिली, ये तो यहाँ बैठा हो ऐसे ऐसे सो रहा होता है। भाई इसने तो अंडा भी दे दिया, अभी हमने इसका अंडा परसों तो तोड़ा है, उसने एक और अंडा भी दे दिया है। भाई है एक्चुअली भाईजान, आपने भी जल्दी अंडा दे दिया, दिखाओ अंडा, दिखाओ अंडा। शाबाश, यहाँ बैठो, मैं अंडा देख लूँ। चलो रख देता हूँ, जब दोनों दे देंगे तब कुछ कर लूँगा। मुझे लगता है कि हमें ना अपने कोबरा और उसकी बहन के भी पर काटने होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उड़ने लग गए हैं। इधर तक तो पहुँच जाते हैं आराम से, जो इधर तक क्या। फिर इनको मैं नीचे उतारता हूँ कि कहीं बाहर ही ना भाग जाए। सुबह के तो मैंने अभी काम करने हैं सारे के सारे, सारे काम करके फिर आपसे मिलता हूँ। बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, हमने अपने बर्ड्स को नहलाया नहीं है। और मास्टर केज की भी हालत बहुत ख़राब है, मैं ना जल्दी से अपना मास्टर केज वाला चाहूँ और साथ ही ना इस बार को बाहर भी निकाल दूँगा। और बाहर निकाल के करूँगा क्या, उनको नहला दूँगा। ओ शेट, उनको नहलाने के लिए तो कोई बर्तन ही नहीं है। हाँ दोस्तों, आपको याद होगा हमने पिछली बार इस कूलर को उतार के ना अपने बाहर का स्विमिंग पूल बनाया था, आज हम इसको दोबारा से स्विमिंग पूल बनाने वाले हैं। चलें अब मैं इसको जल्दी से उतार लेता हूँ।
पाइप लगा के पानी भी चला दिया है। अब मैं इसके अंदर रख देता हूँ, जब तक ये भर जाता है तब तक मैं अपने बर्ड्स को बाहर खोल देता हूँ। इन्होंने तो नहाना भी शुरू कर दिया है। अभी भोलू अंदर गई थी, दोबारा वापिस आ गई है। चलो डोरो, अब तुम्हारी बारी, तुम जाओ। जब तक ये नहाते हैं तब तक हम मास्टर कैट की सफाई करना शुरू कर देते हैं। इधर तो डबल काम स्टार्ट हो गया है, हमने इधर भी पानी डाल दिया है और ये उधर नहाने भी लग गए हैं। वो देखे, बबली भी चली गई और वो जो हमारा कालू बच्चा वो भी चला गया। हम अपने तीतरों को भी खोल देते हैं, बेचारे के उसे इंतजार कर रहे हैं। मैंने मास्टर के जो के साफ कर दिए। बड़ा भैया जनाब अभी आ रहे हैं। पहले मुझे कहता था कि मैं काम नहीं करवाता, खुद अभी कंप्यूटर में बैठा हुआ था, सारा काम मैंने किया है। ओ भाई, मैं कंप्यूटर में बैठ के वीडियो एडिट कर रहा था, मैं भी काम ही कर रहा था, हिसाब बराबर हो गया। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ मैंने मास्टर के धोया है, उसमें वाइपर लगाने की ज़रूरत है कि नहीं? वैसे जून जुलाई तो ख़त्म हो गया, जून जुलाई में तो हमें वाइपर नहीं लगाने की ज़रूरत। अब आ गया अगस्त का महीना, यह मौसम होता है बारिशों का, इसीलिए ऐसा करती है कि खुद्दा साफ कर देती है, क्योंकि कोई पता नहीं थोड़ी देर बाद बारिश भी आ सकती है, इस मौसम में ऐसा ही होता है। चलो वाइपर उठा के आ जाए। जितनी देर अयान मास्टर के धोया था, इन सारे के सारे पिजेस ने नहा भी लिया है। तो जहाँ जहाँ इनको खुश्क जगह नजर आई है वहाँ वहाँ बैठ गए हैं खुश्क होने के लिए। यार सब पिजेस ने नहाया है लेकिन बंटी ने नहीं नहाया। मैं ऐसा करता हूँ, इसको पकड़ के ना अच्छे से नहलाता हूँ। इसको भी मैंने अच्छे से नहला दिया, पानी में छोड़ देता हूँ, इससे नहाने वाला तो नहा लेगा। मैं और दो फातिमा इन चेयर्स पे बैठ के पिजन्स का पंखा चला के इनके सूखने का इंतजार कर रहे थे। ये अब सूख चुके हैं, अब मैं इनको ना मास्टर केज में ना भेज देता हूँ। चलो भाई दो फातिमा, आओ मेरी हेल्प करवाओ। पहुंची हुई हैं। चलो जल्दी जल्दी बाहर, तुम लोगों को बंद करने का टाइम आ गया है। तो आज के सारे काम हो चुके हैं और सारे बर्ड अपने अपने घरों को जा चुके हैं। बड़ा भी है स्विमिंग पूल को वापस कूलर के ऊपर फिट कर रहा है। तो इसी के साथ आज की वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।